हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे जैनेन्द्र कुमार जी का लेखक परिचय। इन्हें आप साहित्यिक परिचय भी कह सकते हैं। तो जैनेन्द्र कुमार जी ने क्लास ट्वेल्थ के चैप्टर बाजार दर्शन के रचयिता हैं, जिसमें उन्होंने बाजार की चमक धमक कैसे लोगों को आकर्षित करती है इसके बारे में बताया है। जैनेन्द्र कुमार जी का जन्म सन 1905 में अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था तथा इनकी मृत्यु 1980 में हुई। अब इनका जन्म और मृत्यु याद करने के लिए आप इन तारीखों को अंडरलाइन कर लें ताकि ये आपको हमेशा याद रहे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा हस्तिनापुर के जैन गुरुकुल में हुई। अब शिक्षा को भी याद करने के लिए हस्तिनापुर को अंडरलाइन कर लें ताकि आपको ये शिक्षा याद रहे। जैनेन्द्र कुमार जी की प्रमुख रचनाओं में एक रात, दो चिड़िया, फांसी, नीलम देश की राजकन्या है तथा इन्होंने उपन्यास भी लिखा है जिसमें जड़ की बात, पूर्योदय, समय और हम मुख्य हैं। जैनेन्द्र कुमार जी की भाषा के दो रूप हैं, सरल और सुबोध। इन्होंने व्याख्यात्मक और विचारात्मक शैली का प्रयोग किया है। व्याख्यात्मक का अर्थ यह होता है कि किसी भी चीज़ को समझा कर लिखना। अब इनका साहित्य में स्थान देखते हैं तो जैनेन्द्र कुमार जी का साहित्य में स्थान है साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा भारत भूषण। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा भारत भूषण से सम्मानित किया गया है तथा भारत भारती सम्मान से भी इन्हें अलंकृत किया गया है।